दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग यहाँ तय करें कि जो भी दमन ये सरकार कर रही है वो सिर्फ संस्कृति कर्मियों पे नहीं कर रही है, बल्कि वो अपने हक मांगने वाले हर आदमी पर कर रही है। आप सोचिए कि ये सरकार है उसके कान पर जू नहीं रेंगती जब इतने सारे किसान आत्महत्याएं करते हैं, लाखों की संख्या में अब तक किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, और अगर वो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनसे ये सरकार कहती है कि तुम राष्ट्रद्रोही हो। ये सरकार कहती है कि नक्सलवाद देश की आंतरिक आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम तो कहते हैं कि यहाँ की सरकार ही देश की आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि आप सोचिए कि जो लोग गाना गा रहे हैं उनको पकड़ने की क्या जरूरत है, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, वो सिर्फ गाना गा रहे हैं, वो भगत सिंह का नाम ले रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप उठिए और अपने हकों के लिए आवाज उठाइए। यहाँ आवाज उठाने पर भी वो लोगों को पकड़ दकड़ रहे हैं। तो क्या ये सचमुच ये सरकार आपकी सरकार है? मैं ये सब लोगों से सवाल करना चाहूंगा, ये जो हमारे साथी हैं इन सब से, ये पुलिस कर्मी हैं इनसे भी पूछना चाहूंगा कि भाई इनका हमारा रंग तो एक है, ये क्यों हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं? अंग्रेज सरकार थी तो समझ में आता था कि भाई एक गोरा था वो यहाँ से पैसे ले जा रहा था और हम रोक रहे थे तो वहां पे लाठी गोली चला रहा था। अब तो बोलते हैं देश की संपत्ति देश में रहे, देश की संपत्ति विदेश नहीं जाए, इस पर भी लाठी गोली खा रहे हैं। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि डटे रहो, ठीक है? कितने लोगों को वो मार सकते हैं? हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण कवि केदारनाथ अग्रवाल वो कह गए हैं कि शासक ही मरते आए अब तक, जनता कभी नहीं मरती है। तो शासक तो पता नहीं कितने आए कितने चले गए, कंस वंस ये वो सब, और जनता आज तक मौजूद है यहाँ। तो जनता को वो मिटा नहीं सकते, वो अपना दमन का राज चलाएंगे लेकिन कितने दिन, वो हमेशा नहीं चला सकते हैं। ये बात आप गांठ बांध लीजिए तो देखिएगा कि रास्ता बहुत साफ हो जाएगा, छटने लगेंगी झाड़ियां, कांटे वाटे दूर होने लगेंगे, पत्थर भी हट जाएंगे और आप बढ़ निकलेंगे। कौन नहीं चाहता है बेहतर जिंदगी? क्या ये लोग नहीं चाहते हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं लाठी लेके? और क्या आप लोग नहीं चाहते हैं जो गाना गा रहे हैं? बेहतर जिंदगी किसके लिए? सब लोगों के लिए, हर आदमी के लिए बेहतर जिंदगी, उसको रोजी रोटी मिले, वो सम्मान से जी सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर क्यों ये सरकार उनके खिलाफ है, इस पर सोचिए। क्योंकि ये सरकार उनकी है नहीं, कहीं ना कहीं ये सरकार उनको वो नहीं दे सकती जो वो मांगते हैं, और जो सरकार ये झूठा वादा करके सरकार बनी, इसलिए ये सरकार को तो हटाना ही है। ऐसे नहीं हटेगी तो वैसे हटेगी, कितने दिन तक रुके रही? सारे जनता को दबा कर वो रुक नहीं सकती, बस ये बात मान लीजिए और लड़ाई जारी रखिए और फिर देखिएगा कि जीत आपकी होगी। लाल सलाम साथियों।